भोपाल के नगर बस्ती में पूर्व मंत्री एवं विधायक सुरवीर शर्मा एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मान जी को जिन्होंने की सदैव हर संकट में अपने गरीब बस्तियों में और गरीबों में और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में हमेशा मदद पहुंचाई है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और हमें विश्वास है कि संकट के काल में जो सेवा इन्होंने की है वो वाकई में जन जन तक पहुंची है और गरीब लोगों तक पहुंची है। जो उम्मीद हमें थी भाजपा से और भाजपा के मुख्यमंत्री जी से, मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तबादलों पे तबादले हो रहे हैं और ये घोर अन्याय है कर्मचारियों के खिलाफ, जो संकट काल में अपने परिवारों को छोड़कर उनसे कहा जा रहा है कि आप जाके फलां जगह ज्वाइन करिए फलां जगह, और साथ में अब बच्चों की परीक्षा आ गई है, ऐसे समय में अपने परिवार को छोड़ के वो लोग बाहर जाएंगे, ये बहुत ही गलत निर्णय है। अरे क्या जरूरत है अभी तबादलों की, ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा है? केवल तबादला उद्योग और उसमें पैसा खुलेआम चला हुआ है, ये मेरा खुला आरोप है शिवराज सिंह चौहान पर। वो तो सांवेर के लोगों में जो फूट पड़ी उसको एक करने के लिए गए, कोई कोरोना के लिए गए क्या? एक और भाजपा तक, पर एक ईमानदार व्यक्ति का एक ईमानदार पुत्र, स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति ने 25-33 करोड़ रुपए ले लिए उसे भाजपा उम्मीदवार अगर बनाएगी तो दिल तो दुखेगा। ऐसा उपचुनाव को लेकर भी सर्वे करा रहे हैं, लगातार एक्शन में है कांग्रेस की, पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से जिन 22 लोगों ने धोखा दिया है उसके बाद अब कार्यकर्ता, देखिए कमलनाथ जी हमेशा एक्शन में रहते हैं, वो व्यक्ति ऐसे हैं, राजनेता ऐसे हैं, मैं तो 40 साल से उनको जानता हूँ, उनको जो काम सौंपा जाता है तो वो बुलडोजर की तरह लग जाते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वे सफल होंगे और 2400 सीटों पर जिन लोगों ने सौदा किया जनमत का वे सब हारेंगे। भोपाल से यूडी न्यूज के लिए संतोष चौहान की रिपोर्ट।